नमस्कार दोस्तों, अभी ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरी को समझने के लिए जो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट के क्वालिटी अपग्रेडेशन के बारे में बात कर लिए हैं, बट एक प्रोडक्ट के बारे में अभी भी बात नहीं किए हैं कि पेट्रोल कैसे बनता है। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग बात करेंगे कि पेट्रोल कैसे बनाते हैं हम लोग रिफाइनरीज में, और इस अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग थोड़ा हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो मार्केट में जो पेट्रोल जिसको बेचा जा सकता है, अभी जो BS4 क्वालिटी पैरामीटर्स जो के अनुसार जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, वो बोलता है कि पेट्रोल उसी वही मार्केट में बिकेगा जो कि ये फॉलोइंग क्वालिटी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि ऑक्टेन नंबर जो है वो ग्रेटर देन 91 होना चाहिए, मतलब बेसिकली रिसर्च ऑक्टेन नंबर, दैट इज RON ग्रेटर देन 91 होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि ओलिफिन्स जो है पेट्रोल में लेस देन 21 वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर रेगुलर ग्रेड का पेट्रोल है तो उसकी सिमिलरली एरोमेटिक्स के लिए भी एक लिमिट दिया है कि एरोमेटिक्स जो है वो लेस देन 35 वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए। उसके अलावा एक और लिमिट दिया है बेंजीन कंटेंट पर कि बेंजीन कंटेंट जो है वो लेस देन 1 वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सल्फर पे लिमिट है कि सल्फर लेस देन 50 ppm होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा RVP वेपर प्रेशर पे भी लिमिट है, दैट कि रेड वेपर प्रेशर जो है वो 60 किलो पास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 60 किलो पास्कल। और उसके अलावा वेपर लॉकिंग इंडेक्स जो है उस पे भी लिमिट है कि वेपर लॉकिंग इंडेक्स मैक्सिमम 750 होना चाहिए समर में, और 950 होना चाहिए विंटर में। ठीक है, एक और लिमिट है कि डिस्टिलेशन के ऊपर भी लिमिट दिया है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको E70 से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटलीस्ट 10% और मैक्सिमम 45 वॉल्यूम परसेंट वेपराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली फाइनल बॉइलिंग पॉइंट जो है 210 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे लिस्ट है, अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ। ये सारे जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, मोटर स्प्लिट क्वालिटी पैरामीटर्स का रीजनिंग दिया था मैंने, एक लेक्चर सीरीज बनाया था 5 वीडियोज़ में, वो उसमें मैंने सबके लिए रीजनिंग दिया हूँ कि ऐसा जो लिमिटेशन है वो क्यों है, रीज़न क्या है, और उसको हम लोग कैसे वो लिमिट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो लेक्चर सीरीज आपको देखना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि हमको ये क्वालिटी पैरामीटर्स मीट करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, तो देखिए, जो रिफाइनरी में पेट्रोल बनाया जाता है वो मोस्टली नेफ्था से बनाया जाता है, तो नेफ्था से हमको इस तरह से क्वालिटी अपग्रेड करना है ताकि ये सारे क्वालिटी पैरामीटर मिल जाए। तो नेफ्था से हमको पेट्रोल बनाना है, पेट्रोल कहिए या मोटर स्प्रिट कहिए या गैसोलीन कहिए, बट रिफाइनरी में नेफ्थास का और भी यूज होता है। नेफ्था को हम लोग गैस टर्बाइन यूज में भी यूज करते हैं, जहाँ पे जिसको GT बोलते हैं, जहाँ से हम लोग पावर जनरेट करते हैं। इसके अलावा नेफ्था को हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में, और नेफ्था एज ए प्रोडक्ट भी मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, इसको एक्सेस नेफ्था भी कहा जाता है, तो एज ए नेफ्था पूल नेफ्था भी बिकता है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमको किस टाइप के नेफ्था से पेट्रोल बनाना चाहिए, किस टाइप के नेफ्था को हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में भेजना चाहिए, किस टाइप के नेफ्था को मार्केट में बेचना चाहिए, और किस टाइप के नेफ्था को GT में यूज करना चाहिए, ये हम समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा जो रिफाइनरी है उसमें दो तरह का क्रूड ऑयल प्रोसेस हो रहा है, हाई सल्फर क्रूड ऑयल एंड लो सल्फर क्रूड ऑयल, और हाई सल्फर क्रूड ऑयल से जो लाइट नेफ्था बनता है उसको मैं लिख रहा हूँ हाई सल्फर लाइट नेफ्था। सिमिलरली हाई सल्फर क्रूड ऑयल से जो हैवी नेफ्था बन रहा है हाई सल्फर हैवी नेफ्था। सिमिलरली लो सल्फर से जो लाइट नेफ्था बनता है लो सल्फर लाइट नेफ्था, और लो सल्फर से जो हैवी नेफ्था बन रहा है लो सल्फर हैवी नेफ्था। और ऐसा देखा क्या गया है कि ये जो ट्रेंड है इसमें हाई सल्फर लाइट नेफ्था में सबसे ज़्यादा पैराफिन कंटेंट होता है, लो सल्फर हैवी नेफ्था में सबसे कम पैराफिन कंटेंट होता है, मतलब ये मोस्टली पैराफिनिक होता है और ये मोस्टली नेफ्थिनिक होता है। ठीक है,
अभी जो रिफाइनरी से जो नेफ्था बेचा जाता है वो मोस्टली क्रैकिंग के लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए मोस्टली नेफ्था क्रैकर यूनिट में यूज होता है। इसलिए ये नेफ्था में रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 75 वॉल्यूम परसेंट जो है पैराफिन्स होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पैराफिन्स इजली क्रैक हो जाता है, सिंगल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। इसमें सल्फर के लिए भी कुछ लिमिट है कि सल्फर मैक्सिमम 500 ppm होना चाहिए, और आपको डिस्टिलेशन रेंज भी है के लिमिट है कि इसका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री और मैक्सिमम 160 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, डिस्टिलेशन का भी रेंज है। तो इस बेसिस पे हम लोग ये समझते हैं कि अगर हाई सल्फर लेवल लाइट नेफ्था जिसमें पैराफिन्स कंटेंट सबसे ज़्यादा है, इसको तो हम लोग को नेफ्था में एज ए नेफ्था बेच देना चाहिए, तो ये तो चला जाता है नेफ्था पूल में। और इसके अलावा तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ये बाकी का डिसीजन कैसे हो। तो देखिए, जो नेफ्था होता है, हम लोग को एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ऑक्टेन नंबर, जिसको ऑक्टेन नंबर 91 मिनिमम अचीव करना है। तो ये ऑक्टेन नंबर मीट करने के लिए रिफाइनरी में एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में बेसिकली नेफ्थीन का डिहाइड्रोजनेशन होकर एरोमेटिक्स बनता है, तो मेनली कैटलिटिक रिफॉर्मिंग में नेफ्थीन से एरोमेटिक बनता है। इसलिए कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में के फीड में अगर नेफ्थीन्स ज़्यादा हो तो उसका यील्ड अच्छा होता है। इसलिए ये जो लो सल्फर हैवी नेफ्था जिसमें नेफ्थीन ज़्यादा है, इसको हम लोग को कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में भेज देना चाहिए, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में भेज देना चाहिए, ठीक है, अभी बात करेंगे कैसे काम करता है। हाई सल्फर हैवी नेफ्था और लो सल्फर हैवी नेफ्था में ऑलमोस्ट पैराफिन्स और नेफ्थीन्स मोडरलेस सेम होता है, तो इसको हम लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग जगह भेज देते हैं। तो कैसे भेजते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हाई सल्फर हैवी नेफ्था को मोस्टली जीटी में, गैस टर्बाइन में भेज देते हैं, कभी कभी हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में भी भेजा जाता है, ठीक है। लो सल्फर लाइट नेफ्था को भी कभी कभी नेफ्था पूल में मिक्स कर देते हैं, और ये फीड है आइसोम यूनिट का भी, उसके बारे में अभी बात करेंगे, और कभी कभी इसको भी हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट में भेज देते हैं। तो ये कि ये ऑलवेज डायनेमिक कंडीशन में रहता है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन प्लानिंग, ये चेंज होता रहता है। बट एक चीज़ क्लियर है कि हाईली पैराफिनिक को नेफ्था पूल में भेजना है, और हाईली नेफ्थेनिक को कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में भेजना है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट रन नेफ्था जो बनता है, जो कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से जो डायरेक्टली नेफ्था बनता है, उसको अगर हम लोग देखा जाए तो स्ट्रेट रन नेफ्था में जो जस्ट नेफ्था बना है उसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो है वो करीब करीब 60 से 70 होता है, डिपेंडिंग ऑन क्रूड क्वालिटी, थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ओलिफिन्स तो क्रूड में नहीं रहता है, इसलिए स्ट्रेट रन नेफ्था में ओलिफिन्स नहीं होता है। सल्फर में सल्फर ज़्यादा होता है, 50 ppm मैक्सिमम अलाउड है, बट आपका 100 से 300 ppm तक होता है। बेंजीन भी 2% से या ज़्यादा भी हो सकता है, और एरोमेटिक सेट 10 से 15%। तो इतना देखने से यही समझ में आता है कि ये स्ट्रेट रन नेफ्था में ऑक्टेन क्वालिटी तो मीट नहीं हुआ, तो ये नहीं हो पाया, मतलब जो पेट्रोल के लिए जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है ऑक्टेन, तो वो नहीं हो पाया। सल्फर का भी मीट नहीं हो पाया, ओलिफिन्स चलो मीट हो गया। बेंजीन भी 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी मीट नहीं हुआ, और एरोमेटिक्स चलो मीट हो गया। इसका मतलब स्ट्रेट रन नेफ्था डायरेक्टली तो पेट्रोल की तरह से बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट रन नेफ्था को हम लोग लाइट और हैवी नेफ्था में कन्वर्ट कर दें और फिर देखें क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है, तो ठीक है, लाइट नेफ्था है तो उसका ऑक्टेन नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट स्टिल वो रीच नहीं कर पाता है। ओलिफिन्स का तो चलिए इशू नहीं है। सल्फर थोड़ा कम हो जाता है टोटल नेफ्था से, बट स्टिल वो रीच नहीं कर पाता। बेंजीन नहीं रीच कर पाता, एरोमेटिक्स ओके। इसके अलावा अगर बहुत लाइटर हम ले लेंगे तो E70 माने 70 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट पूरा वेपोराइज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी वो क्राइटेरियम मीट नहीं करता। वेपर लॉकिंग इंडेक्स इसका ज़्यादा हो जाता है, RVP ज़्यादा हो जाता है, तो लाइट नेफ्था भी हम इसको डायरेक्टली पेट्रोल में नहीं दे सकते। सिमिलरली हैवी नेफ्था का देखा जाए तो हैवी नेफ्था में तो ऑक्टेन बहुत कम हो जाता है, आप नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें आपका वेपर लॉकिंग इंडेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, RVP का प्रॉब्लम नहीं है, E70 का प्रॉब्लम है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पर एटलीस्ट 10 वॉल्यूम परसेंट तो वेपराइज होना चाहिए, बट यहाँ पर तो बोल रहा है ओनली 0 वॉल्यूम परसेंट वेपराइज हो रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है।
ठीक है, सल्फर का भी सूरत है। तो आप समझ रहे हैं कि नेफ्था जो स्टेटर नेफ्था है वो तो प्रोडक्ट क्वालिटी मीट नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको ट्रीट करना है। ठीक है, इसलिए रिफाइनरी में दो यूनिट होते हैं। ठीक है, एक यूनिट जो है जो ये स्ट्रेट रन नेफ्था को ट्रीट करने के लिए, एक यूनिट जो है उस वो है आइसोम यूनिट, आइसोम यूनिट और आइसोमराइजेशन यूनिट, और दूसरा है कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जो ये आइसोम यूनिट है, आइसोम यूनिट में ओके ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात करने के पहले ये बात कर लेते हैं कि जो नेफ्था आता है जनरली लो सल्फर नेफ्था से ही पेट्रोल बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाई सल्फर नेफ्था का तो नेफ्था पूल में या जीटी में यूज कर रहे हैं। तो लो सल्फर जो नेफ्था है, लो सल्फर नेफ्था को स्प्लिट कर देते हैं नेफ्था स्प्लिटर में, और यहाँ से टॉप से जो निकलता है वो मोस्टली लो सल्फर लाइट नेफ्था, जिसमें मोस्टली C5 और C6 होता है, और बॉटम से जो निकला लो सल्फर हेवी नेफ्था जिसमें C7 प्लस होता है। ठीक है, अभी देखिए ये डिस्टिलेशन जो है नेफ्था स्प्लिटर, इसका मेन एम ये रहता है कि टॉप में C7 बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बॉटम में C6 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये जो लो सल्फर लाइट नेफ्था है इसको आइसोम यूनिट में लिया जाता है, जहाँ से आइसोमरेट बनता है, और लो सल्फर हेवी नेफ्था जो है इसको कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट में ले जाया जाता है, जहाँ से रिफॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोम यूनिट में क्या होता है। आइसोम यूनिट में बेसिकली तीन चार तरह के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है उसमें बेंजीन का सैचुरेशन होता है, बेंजीन का सैचुरेशन, और उससे नेफ्थीन्स बन जाता है। हमने बात किया था कि मेटर स्प्रिट क्वालिटी पैरामीटर एक उसमें एक कंस्टेंट है कि बेंजीन 1 वॉल्यूम परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन्स को हम लोग को सैचुरेट कर देना चाहिए। तो जो भी स्ट्रेट रन नेफ्था में जो बेंजीन है उसको हम लोग C6 जितना मैक्सिमम है उसको आइसोम में लेके चले जाते हैं, और आइसोम में वो सैचुरेशन हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसके ये स्प्लिट करने में मेन एम ये रहता है कि C6 जितना है वो मैक्सिमम आइसोम में चला जाए ताकि वहाँ पे उसका सैचुरेशन हो जाए। C6 अगर बॉटम में CRU में जाएगा तो वहाँ पे सैचुरेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए C6 को टॉप से ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो ये जहाँ भी एक चीज़ आप एज ए रूल ऑफ थम याद रखिए कि जहाँ भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, वो सारे रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये ऑलवेज याद रखिए। इसीलिए DHDS का रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोक्रैकिंग एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे भी बेंजीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो C5 का जो मॉलिक्यूल्स है उसका आइसोमराइजेशन होता है। तो C5 का मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, इसका आइसोमराइजेशन होके इसका आइसोमराइजेशन होके जो प्रोडक्ट बनता है मिथाइल ब्यूटेन, इसका जो ऑक्टेन नंबर है जैसे मान लीजिए इसका ऑक्टेन नंबर 62 है, तो इसका ऑक्टेन नंबर करीब करीब 93 होता है। तो इस तरह से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, ठीक है, आइसोमराइजेशन से। C6 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो हेक्सेन है इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है, 30 से 32, और इसका आइसोमराइजेशन होने से एक तो बनता है 2,3-dimethylbutane, जिसको बोलते हैं 2,3-dimethylbutane, और दूसरा बनता है आइसोमराइजेशन होके 2,2-dimethylbutane। तो इसका ऑक्टेन नंबर 30 से 32 होता है, और इसका ऑक्टेन नंबर होता है करीब करीब 104, और इसका ऑक्टेन नंबर करीब करीब होता है 92। इसके अलावा भी और भी आइसोमर्स बनते हैं इससे, जैसे कि इससे ये भी बन सकता है 3, 4, 5, ठीक है,
ये सब के ऑक्टेन नंबर 90 से कम होते हैं, ठीक है, तो ये सब को हम लोग को रिसाइकिल कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनडिजायर्ड रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है, अनडिजायर्ड रिएक्शन, जैसे कि C7 का हाइड्रोक्रैकिंग हो जाता है, क्योंकि हमने हमको हाइड्रोजन यूज करना है बेंजीन का ये हाइड्रोजिनेशन के लिए, बट वो हाइड्रोजन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रैक भी कर देता है, इसीलिए हमने बोला था कि इसका सेपरेशन ऐसे करना है कि C6 तो मैक्सिमम ऊपर से चला जाए बट C7 बिल्कुल ना जाए, क्योंकि C7 जाएगा तो वो हाइड्रोजन कंज्यूम कर लेगा, जो हाइड्रोजन हम लोग बेंजीन को हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज करते हैं वो हाइड्रोजन क्रैकिंग में यूज होने लगेगा, ठीक है, तो जो कि डिजायरेबल नहीं है। इसके अलावा जो कैटलिस्ट का कुछ पोर्सन जहाँ पर ये C7 जाके एडजॉर्ब होगा वो पोर्सन तो आइसोमेराइजेशन के लिए नहीं रहेगा, तो कैटलिस्ट का भी जो हमारा सेलेक्टिविटी रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये जो मेन इसमें जो रिएक्शन होता है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें पैराफिन्स जो है वो आइसोमराइज होके आइसो पैराफिन्स बनाते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि हमारे पास जो नेफ्थाज हैं, नेफ्था को अगर हम देखें तो आप सोचिए कि अगर हम बात करें कि लो सल्फर लाइट नेफ्था, इसमें तो पैराफिन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आइसोमराइजेशन रिएक्शन देखें तो हम सोचेंगे कि हमको आइसोमराइजेशन में ऐसा फीड देना चाहिए जिसमें पैराफिन्स ज़्यादा हो ताकि उसका आइसोमराइजेशन होकर ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। बट एक्चुअली में क्या देखा गया कि अगर मैं हाई सल्फर लाइट नेफ्था को देता हूँ एज ए फीड, क्योंकि इसमें पैराफिन्स ज़्यादा है, तो इससे जो है डेल्टा रॉन मतलब ऑक्टेन नंबर का इम्प्रूवमेंट है वो तो ज़्यादा होता है, बट स्टिल फाइनल ऑक्टेन नंबर कम होता है। जैसे मान लीजिए हाई सल्फर लाइट नेफ्था का ऑक्टेन नंबर है 30 और आइसोमराइजेशन रिएक्शन से ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है 30 या 40, तो फाइनल प्रोडक्ट का ऑक्टेन नंबर होगा 70 और डेल्टा रॉन हो गया 40। बट अगर लो सल्फर लाइट नेफ्था लेता हूँ तो इसका इनिशियल ऑक्टेन नंबर ही बहुत ज़्यादा रहता है, से 50 या 60, और इसमें जस्ट 30 भी ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव हो रहा है या 25 भी, तो 85 फाइनल प्रोडक्ट। तो डेल्टा रॉन तो इसमें कम है बट स्टिल फाइनल ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका फीड का ही ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। इसलिए लो सल्फर लाइट नेफ्था ही आइसोम का फीड होता है, लो सल्फर हैवी नेफ्था कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट का फीड होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को हम लोग जस्ट एक PFD बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल है कि C5 और C6 जाता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन होता है आइसोम में, यहाँ पे कुछ क्रैकिंग भी हो जाता है और जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन है वो भी निकल जाता है ऑफ गैस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन देना पड़ता है क्योंकि बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन करना है, ठीक है। अभी जो आइसोम है, आइसोम से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए, एक तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रहेंगे जैसे कि NC5, नॉर्मल C5, NC6 ये रहेंगे, और इसके अलावा जो भी आइसोमराइजेशन हुआ वो भी रहेंगे, तो उसको हम लोग फर्दर सेपरेट करते हैं। एक कॉलम होता है जिसको डी आइसो हेक्सनाइजर कॉलम कहते हैं, DIH कॉलम कहते हैं, डी आइसो हेक्सनाइजर कॉलम, DIH कॉलम भी बोला जाता है। इसके टॉप से जो सबसे लाइटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, बीच से उससे हैवी, और बॉटम से सबसे जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे डिस्टिलेशन हो जाता है। अब देखिए C5 आइसो हो या नॉर्मल हो, ये दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा C6 से, तो इसका मतलब NC5 एंड IC5 तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि C6 के जो जितने जो आइसोमर्स हैं उसके में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो जनरली हमको पता है कि कोई भी पैराफिन्स है उसका जो आइसो पैराफिन्स होता है उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आइसोमराइजेशन होता है ना वो मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो स्फेरिकल होने लगता है, और स्फेयर का सरफेस एरिया कम होता है इसलिए वंडरवाल फोर्स कम हो जाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए जो भी डाईमिथाइल ब्यूटेन्स है जिसका जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आइसोमराइजेशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा, इसलिए वो टॉप से निकल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो आपका ये बनता है मिथाइल पेंटेन यानी 3-methylpentane या 2-methylpentane या एन हेक्सेन, ये सब बीच से निकलते हैं और बॉटम से जो है वो मिथाइल साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन या C7 निकल जाता है। बॉटम से जो है वो मोस्टली जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है वो निकलते हैं। एक्चुअली क्या है, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है, पैराफिन्स हैं, उसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है, आपने शायद 12th में पढ़ा होगा, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म, एसक्यूड फॉर्म, जिसमें सीसी बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन होता है। तो इस रोटेशन के कारण जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बहुत क्लोजली नहीं आ पाते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इजीली ये वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि जो साइक्लोहेक्सेन है, ये सब में जो चेयर स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सीसी बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन लॉक रहता है, इसलिए दो मॉलिक्यूल्स इजीली एक दूसरे के ऊपर आ पाते हैं, वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई यहाँ पे जो मिथाइल पेंटेन और एन हेक्सेन जो अन रिएक्टेड रह गया, इसको वापस रिसाइकिल कर लिया जाता है, तो ये चला गया रिसाइकिल होकर, तो इस तरह से आइसोम रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट के बारे में। ठीक है, CRU, इसका जो फीड है वो मोस्टली हैवी नेफ्था है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 से 140 या फिर कभी 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 100 से 140 डिग्री सेल्सियस इस तरह से होता है। ठीक है, मोस्टली इसमें C7, C8 इस तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और जैसे आइसोम है वैसे ही CRU दोनों में जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट डीएक्टिवेट हो सकता है, इसलिए दोनों ही मेन रिएक्टर में जाने के पहले नेफ्था का हाइड्रो ट्रीटमेंट भी होता है। तो जैसे आइसोम में भी नेफ्था का हाइड्रो ट्रीटमेंट होता है, फिर उसके बाद आइसोम रिएक्टर में जाता है। सिमिलरली CRU में भी आइसोम नेफ्था का हाइड्रो ट्रीटमेंट होता है, तो NHDT से में जाता है और उसके बाद वो CRU में जाता है। ठीक है, अब CRU में जो रिएक्शन होता है वो मोस्टली, तो सबसे मेन रिएक्शन है कि वो नेफ्थीन्स का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। तो नेफ्थीन का डिहाइड्रोजिनेशन होने से एरोमेटिक्स बनेगा, और मैंने जैसे बताया कि जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है वो सारे ही सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक तो ये टाइप का रिएक्शन होता है। दूसरा ये होता है कि जो पैराफिन्स है उसका आइसोमराइजेशन भी होता है, गुड, ये स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। और उसके बाद एक और रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए C7H16 है, तो पहले तो उसका डिहाइड्रोजिनेशन होके ओलिफिन्स बना, और फिर उसके बाद उसका डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन होकर के नेफ्थीन्स बन जाता है। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और फर्दर उसका डिहाइड्रोजिनेशन होकर के एरोमेटिक्स बन जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पैराफिन डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पैराफिन से एरोमेटिक बन रहा है, ऑक्टेन नंबर बहुत बूस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब डिजायरेबल रिएक्शन है। अनडिजायरेबल रिएक्शन यहाँ पे भी होता है, जैसे हाइड्रोक्रैकिंग हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन है, और इसके अलावा क्रैकिंग कोकिंग रिएक्शन भी होता है, जैसे कोक बन जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये रिएक्शन तो बहुत फास्ट होता है, इजिली हो जाता है, बट ये पैराफिन्स डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन और हाइड्रोक्रैकिंग, ये दोनों ही थोड़ा स्लो रिएक्शन है, और ये दोनों में कॉम्पिटिशन रहता है। तो हमारा पर्पस ये है कि पैराफिन डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन जो है वो प्रमोट हो और हाइड्रोक्रैकिंग नहीं हो। हाइड्रोक्रैकिंग में हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है, यानी अगर मैं हाइड्रोजन का प्रेशर अगर कम कर दूं तो ये रिएक्शन कम होगा, और हाइड्रोजन का प्रेशर कम करने से ये रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन की बात करें तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का प्रेशर हम लोग को कम रखना चाहिए CRU में, बट CRU में हाइड्रोजन का प्रेशर कम रखने से कोक ज़्यादा बनता है। जनरली कोक जो है वो कोक प्रीकर्सर से हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेता है और इस तरह से कोक को मिनिमाइज करता है, इसलिए हम लोग प्रेशर बहुत कम नहीं कर पाते। तो दो तरह का CRU होता है, एक CRU तो ऐसा होता है जो बोलता है ठीक है प्रेशर कम कर दो, कोक ज़्यादा बनेगा, उस कोक को रीजनरेट कर लेंगे। ऐसे CRU को हम लोग बोलते हैं CCRU, कंटिन्यूस, उसमें कैटलिस्ट को रीजनरेट होता है, और इसमें जो बोर्ड बेड होता है, जैसे
एफसीसी होता है वैसे उसी टाइप का है, बट इसमें फ्लूडाइज बेड की जगह मूविंग बेड यूज होता है, ठीक है। और एक जो दूसरा रिएक्टर होता है जिसमें कि फिक्स बेड यूज होता है, उसको हम लोग सेमी रीजनरेटेड भी बोलते हैं, सेमी रीजनरेटिव, क्योंकि शटडाउन होने के बाद इसमें कैटलिस्ट को रीजनरेट किया जा सकता है। तो सेमी रीजनरेटिव प्रोसेस होता है, इसको सीआरयू बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह का है, सीआरयू एंड सीसीआरयू। तो इसको अगर मैं इसका पीएफडी बनाने का कोशिश करूं, जस्ट एक सिंपल पीएफडी बनाने की कोशिश करूं, तो इसमें क्या है, मोस्टली जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नेफ्थीन का डिहाइड्रोजनेशन मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको नेफ्था को फर्नेस में ले जाके प्री हीट और फर्नेस में ले जाके हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के बाद हम लोग इसको रिएक्टर में ले जाते हैं। रिएक्टर में नेफ्थीन का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, फिर पैराफिन का डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन तो डिफ़िकल्ट है, तो वो पहले रिएक्टर में नहीं होगा, फिर हम लोग को हीट करना पड़ेगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के कारण यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो फिर से हीट किया, हीट करके वापस सेकेंड रिएक्टर में ले गए, सेकेंड रिएक्टर जिसको आर टू बोले, वहाँ से फर्दर जो आया उसको फर्दर हम लोग हीट करके थर्ड रिएक्टर में ले जाते हैं। तो थर्ड रिएक्टर तक पैराफिन का डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन हो जाता है और इस तरह से फाइनली रिफॉर्मेट बन जाता है। तो सीसीआर में हमने जैसे मेनली बोला कि उसमें क्या करते हैं, लेस प्रेशर में काम करते हैं और कोक को बर्न कर देते हैं, और सीआरयू में कैटलिस्ट जो है जब एक बार स्पेंट हो जाता है तब उसको रीजनरेट करते हैं। तो इस तरह से हमने सीआरयू के बारे में बात कर लिया, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट के बारे में बात कर लिया, आइसोम यूनिट मतलब आइसोम यूनिट के बारे में भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। तो जो जो ये बनता है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है आपका जो आइसोमरेट रिफॉर्मेट से रिफॉर्मिंग से जो प्रोडक्ट बना है उसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 95 एंड अबव, क्योंकि मोस्टली एरोमेटिक्स है। ओलफिन्स भी कम होता है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फर भी बहुत कम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेंजीन इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक्स बन रहा है, इसीलिए ये बोला था कि नेफ्था का जो स्प्लिटिंग हो रहा है उसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हेवी नेफ्था जो है वो C6 जो है वो हेवी नेफ्था में ना जाए। इसके अलावा एरोमेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा बनता है जो कि प्रॉब्लम्स है, 35 वॉल्यूम परसेंट से ज़्यादा नहीं अलाउड है, बाकी सारा है कोई प्रॉब्लम नहीं। वेपर लॉक इंडेक्स कम है, वेपर प्रेशर कम है, हेवी मॉलिक्यूल्स हैं तो वेपर प्रेशर तो कम ही होगा, ठीक है। आइसोमेरेट जो यूनिट है उससे जो बनता है और ये जो आइसोमेरेट जो बनता है, आइसोमेरेट का आप देखेंगे कि इसका रॉन जो है 87 से 88 रहता है, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 91 चाहिए मिनिमम, बट ठीक है, काफ़ी हद तक है। बट ओलिफिन्स का प्रॉब्लम नहीं है, सल्फर का प्रॉब्लम नहीं है, बेंजीन का प्रॉब्लम नहीं है, एरोमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं है। बट आइसोमेरेट चूँकि C5C6 से बनता है तो बहुत लाइटर होता है, तो वेपर लॉकिंग इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, और एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके बट वेपर लॉकिंग इंडेक्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा वेपराइजेशन 70 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आरबीपी का थोड़ा प्रॉब्लम है, 60 किलो पास्कल मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। तो ये सारा हमको अभी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है रिफॉर्मेट और आइसोमेरेट में, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं कि ये एफसीसी से जो नेफ्था बनता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, एफसीसी से जो नेफ्था बनता है जिसको लाइट क्रैक्ट नेफ्था बोलते हैं, ये जो लाइट क्रैक्ट नेफ्था है ये मोटर स्प्रिट क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट में जाता है जिसको पेट्रोल बनाने के लिए, और हेवी क्रैक्ट नेफ्था तो मोस्टली डीजल में चला जाता है। एफसीसी से जो लाइट क्रैक्ट नेफ्था बना है इसमें दो प्रॉब्लम होता है, इसमें एक तो सल्फर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें ओलिफिन्स बहुत ज़्यादा है। ओलिफिन्स इशू है, हम लोगों ने बात किया 21 वॉल्यूम परसेंट मैक्सिमम अलाउड है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है 21 वॉल्यूम परसेंट का, क्योंकि अभी तक हमने जो बात किया कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, आइसोमेरेट हो चाहे रिफॉर्मेट हो चाहे स्ट्रेट रन नेफ्था हो, किसी में ओलिफिन्स नहीं है। इसलिए अगर एफसीसी के गैसोलीन में ओलिफिन्स थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो भी वो पूरा जो फाइनल ब्लेंड बनेगा उसमें ओलिफिन्स का इशू नहीं रहेगा,
बट प्रॉब्लम यह है कि एफसीसी के में बहुत सारे ओलिफिन्स ऐसे होते हैं जो कि डाई ओलिफिन्स होते हैं, जो कि बहुत जल्दी गम बना लेते हैं, तो वो गम का क्वालिटी मीट नहीं होगा। इसलिए हम लोग को मोटर स्पीड क्वालिटी अपग्रेडेशन यूनिट में जो पर्पस है वो मेन पर्पस ये है कि हमको इसके इस तरह से अपग्रेड करना है कि सल्फर तो रिमूव हो जाए, सल्फर शुड रिमूव, ओलिफिन्स में डाई ओलिफिन्स जो है वो मोनो ओलिफिन्स में कन्वर्ट हो जाए, मोनो ओलिफिन्स में, और एरोमेटिक सैचुरेट ना हो, मतलब मोनो ओलिफिन्स एंड एरोमेटिक्स का सैचुरेशन ना हो, क्योंकि अगर ये सैचुरेट हो जाएंगे तो एफसीसी का जो हाई ऑक्टेन नंबर का जो हमको फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सैचुरेशन नॉट अलाउड, यही हमारा पर्पस है, नॉट अलाउड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एफसीसी से जो लाइट क्रैक नेफ्था है वो जो जाता है वो मोटर स्पीड क्वालिटी अपग्रेडेशन में दो स्टेप में अपग्रेड होता है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करते हैं, एलसीएन का सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसको सू रिएक्टर बोलते हैं, उसमें सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन होता है। इसमें तीन तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला जो रिएक्शन है उसमें डाईओलिफिन का हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, डाईओलिफिन का हाइड्रोजिनेशन, और डाईओलिफिन का पूरा हाइड्रोजिनेशन नहीं अलाउड है, ओनली मोनोओलिफिन तक बनेगा, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि सल्फर शिफ्टिंग हो जाता है, मतलब क्या होता है कि लाइट मॉलिक्यूल्स में जो सल्फर है वो हेवी मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ओलिफिन्स का आइसोमराइजेशन हो जाता है, ओलिफिन्स का डबल बॉन्ड का आइसोमराइजेशन होता है, इससे थोड़ा ऑक्टेन गेन होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड को सेंटर में ला के कर देता है, तो डबल बॉन्ड आइसोमराइजेशन, ठीक है, मराइजेशन। इसके बाद क्या होता है कि जो लाइट क्रैक नेफ्था में से डाईओलिफिन सैचुरेट हो गया, सल्फर को हेवी पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके बाद हम लोग लाइट क्रैक नेफ्था को स्प्लिट कर लेते हैं। तो एफसीसी से मान लीजिए कि ये एलसीएन आया, उसको क्या करते हैं, सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन कर दिया, सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन से जो प्रोडक्ट बना उसको फिर एफसीसी गैसोलीन स्प्लिटर में ले जाते हैं, ऊपर से जो है वो लाइट एफसीसी गैसोलीन बन गया, और बॉटम से जो है हेवी एफसीसी गैसोलीन बन गया। बॉटम से जो है वो गैसोलीन जो निकला उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर तो अभी तक निकला नहीं, सल्फर बस शिफ्ट हुआ है, तो उसको हम लोग एक रिएक्टर में ले जाते हैं जिसको हाइड्रो डिसल्फराइजेशन रिएक्टर बोलते हैं, HDS रिएक्टर बोलते हैं। इसमें सेलेक्टिवली सल्फर का डिसल्फराइजेशन किया जाता है और ओलिफिन का सैचुरेशन नहीं किया जाता है, इस तरह का कैटलिस्ट चूज किया जाता है कि ओलिफिन तो डबल बॉन्ड सैचुरेट नहीं हो बट सल्फर निकल जाए, तो ये कैटलिस्ट का सिलेक्शन इस तरह से होता है, और यहाँ से हमको हेवी एफसीसी गैसोलीन बन जाता है। तो इस तरह से अभी हमने देख लिया कि CDU से जो नेफ्था निकलता है उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, और FCC से जो नेफ्था निकलता है उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब हम लोग देखें कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है हेवी FCC गैसोलीन और लाइट FCC गैसोलीन, उसके क्या क्या क्वालिटी हैं। देखिए जो लाइट FCC गैसोलीन बनता है उसका ऑक्टेन नंबर तो बहुत बढ़िया होता है, लाइटर है, बट इसमें ओलिफिन्स ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बाकी किसी भी कंपोनेंट में ओलिफिन्स नहीं है। सल्फर डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सीवीआरटी, कभी 50 ppm होता है, 100 ppm तक हो सकता है, 200 लिखा है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। बेंजीन 2% से कम, एरोमेटिक्स का इशू नहीं है, बट लाइट FCC गैसोलीन का RVP ज़्यादा होगा क्योंकि लाइटर मॉलिक्यूल्स है। हेवी FCC गैसोलीन का देखा जाए तो हेवी FCC गैसोलीन जो है उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है, यहाँ पे इशू है, ओलिफिन्स का ज़्यादा इशू नहीं है, सल्फर इसमें हाइड्रो डिसल्फराइजेशन हो जाता है इसलिए लाइट FCC गैसोलीन से भी सल्फर कम होता है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा रहता है 50 ppm 60 ppm। बेंजीन का इशू है, बेंजीन का इशू नहीं है, एरोमेटिक्स का इशू नहीं है, और इसमें हेवी FCC गैसोलीन में तो ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, शायद बाई मिस्टेक लिख दिया, रुकिए देखता हूँ, तो यहाँ पे भी ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये शायद बाई मिस्टेक हो गया, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, अभी देखिए आप देख रहे हैं कि हर एक स्ट्रीम में कुछ फ़ायदा है कुछ नुकसान है। आइसोमेरेट बहुत बढ़िया स्ट्रीम है बट उसमें भी वी एल आई की प्रॉब्लम है, ठीक है। रिफॉर्मेट बहुत बढ़िया स्ट्रीम है बट उसमें एरोमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो हम लोग सारे ही स्ट्रीम को इस तरह से मिक्स करते हैं कि फाइनल जो हमारा क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए और इस तरह से पेट्रोल बना जाता है। कहीं कहीं कुछ नए जो मॉडर्न रिफाइनरीज हैं उसमें एक और यूनिट यूज होता है, एल्काइलेशन यूनिट, जहाँ एल्काइलेट बनाया जाता है। और एल्काइलेट का अगर आप प्रॉपर्टी देखिए तो एल्काइलेट का रॉन बहुत बढ़िया, ओलिफिन्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सल्फर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक्स नहीं है और वी एल आई भी बहुत कम है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे भी ये 0% वेपोराइज होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्काइलेट बहुत बढ़िया स्ट्रीम है। तो एल्काइलेट अगर आपके यूनिट में रिफाइनरी में हो तो एल्काइलेट ऐसे बनेगा कि आप बहुत सारे डिफरेंट खराब स्ट्रीम भी उसमें मिला देंगे तब भी क्वालिटी मीट हो जाएगा। तो ये एल्काइलेशन यूनिट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत सारे रिफाइनरी में नहीं है, सिर्फ जैसे आईएसएल में, पारादीप रिफाइनरी में, मॉडर्न रिफाइनरीज में होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एल्काइलेशन यूनिट जो है ना वो बेसिकली किस बात पे काम करता है कि देखिए हम लोग को पता है कि ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन का सबसे ज़्यादा होता है। तो एल्काइलेशन यूनिट में आइसो ऑक्टेन ही बना देते हैं सीधा, जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्टेन उसी को बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि C4 आइसोब्यूटाइलिन ये और आइसोब्यूटेन इसका रिएक्शन कराते हैं, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या तो है HF कैटलिस्ट हो या H2SO4 हो, और इससे हम लोग का आइसो ऑक्टेन बन जाता है, ठीक है। और इस तरह इस रिएक्शन को एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ये आइसोब्यूटाइलिन कहाँ से आ रहा है और आइसोब्यूटेन कहाँ से आ रहा है, आइसोब्यूटेन ब्यूटाइलिन जो है वो मोस्टली जो है वो LPG से आता है, ठीक है। जैसे FCC का प्रोपेन प्रोपाइलिन रिकवरी यूनिट से, ठीक है। और ये आइसोब्यूटेन जो है इसके लिए एक यूनिट होता है रिफाइनरी में, ब्यूटामर यूनिट, ठीक है, जहाँ पे ब्यूटेन का आइसोमराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे CDU का LPG है, FCC का LPG है, CRU का जो CRU से जो क्रैकिंग होने से जो LPG बन रहा है, ये सारे ही यहाँ पे ले सकते हैं। और वहाँ से दो यूनिट होता है, एक DIOS यूनिट होता है जिसमें कि डाईओलिफिन को सैचुरेट करके आइसोब्यूटाइलिन बनाते हैं, और ब्यूटामेर होता है जो कि ब्यूटेन को आइसोमरेट करके आइसोब्यूटेन बनाते हैं, और इसका ये रिएक्शन करने से एल्काइलेशन रिएक्शन से एल्काइलेट बनता है। जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट को स्पेंट हो जाता है, तो स्पेंट कैटलिस्ट को रीजनरेट करने के लिए एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सारू, मतलब स्पेंट सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेशन यूनिट। तो इस तरह से देखिए हमने और भी बहुत सारे यूनिट के बारे में बात कर लिया है, एल्काइलेशन यूनिट, आइसोमराइजेशन यूनिट, कैटलिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट, FCC गैसोलीन को ट्रीटमेंट के लिए MSQU यूनिट, और सारू, ब्यूटामर, DIOS। तो अभी इस लेक्चर को यहीं बंद करते हैं। हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट रह गया बट ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो इसको अभी रोक देते हैं। देखते हैं शायद कोई एक नया लेक्चर में हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।